इसका बैकग्राउंड ये है कि 15-20 दिन से खल्दवानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की GIS मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिसेस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, PWD और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफ़ी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहाँ मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। उसके बाद 4 तारीख की तिथि निर्धारित करी गई, जिसमें 3 तारीख को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो प्रतिनिधि गण हैं, जो भी हितधारक लोग हैं, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, वो सम्भ्रांत लोग नगर निगम के सभागार में आए और हमारी टीम के साथ चर्चा करी। उन्होंने काफ़ी सारे विधिक बिंदु रखे, उन्होंने अपने प्रत्यावेदन दिए और हमसे ये मांग करी कि हमें उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जाने का एक अवसर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हमको स्वीकार होगा। उसके बावजूद जब हमने समय नहीं दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी समय दे चुके थे, तो हमारी जो रात को फ्लैग मार्च की कार्रवाई हुई, फोर्सेज वहाँ पहुँची अगले दिन के डिमोलिशन ड्राइव के लिए, तो उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करे गए, जिसमें एक 2007 का एक ऑर्डर था। 2007 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को एक ऑर्डर किए गए थे किसी प्रार्थना पत्र के डिस्पोजल के लिए पर्टिकुलर परिसंपत्ति के संबंध में। उसका जब हम लोगों को वो कागज रिसीव हुआ, तो उस कागज की, उस आदेश की सैंक्टिटी को सुरक्षित रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमारे द्वारा अपने कार्यालय से उसकी पत्रावली ट्रेस कराई गई और ये वेरीफाई किया गया कि इसका डिस्पोजल क्या 2007 से लेकर 2024 तक किया गया या नहीं किया गया। उसका डिस्पोजल की जब विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो जल्दबाजी में डिमोलिशन ड्राइव ना करके उसको उस दिन रोक दिया गया, ताकि संबंधित पक्षों को वैधानिक कार्रवाई करने का पर्याप्त अवसर दिया जा सके। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में ऐसी कोई कार्रवाई ना हो जो विधि विरुद्ध हो या लीगल प्रोसेस अपना कर ना करी जाए। ये हमने एक्टिविटी को रोका गया। मदरसा जिसको कहा जा रहा है, उस भवन को सील कर दिया गया। सभी की सहमति ली गई, वो हमारे पोजीशन में था, नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशन में था, PAC वहाँ पर पोस्टेड थी। किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई अहित होने की संभावना नहीं थी, कोई उसके अंदर रह नहीं रहा था, कोई बेघर नहीं हो रहा था, किसी का घर, आवास स्थान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। दैट वॉज अ स्ट्रक्चर विच वॉज इलीगल, और उसको डिमोलिश करने से पहले जितनी भी विधिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं वो पूर्ण करी गई।
जब हमने अगले दिन 2007 के ऑर्डर का डिस्पोजल किया नेक्स्ट डे अपने कार्यालय में, उसके बाद इस बीच में संबंधित पक्ष के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से नोटिस पर स्टे लगाए जाने की डिमांड करी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने दो दिन सुनवाई करी और दूसरे दिन सुनवाई में ये निर्देश दिए कि जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनको किसी भी प्रकार की राहत दिए जाने से मना कर दिया गया। जो हम लोगों को जो माननीय उच्च न्यायालय से हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम होता है अपने सरकारी एडवोकेट्स के थ्रू, उनके थ्रू कम्युनिकेट हुआ प्रॉपर इन राइटिंग के ओरल ऑर्डर्स में किसी भी प्रकार का रिलीफ संबंधित पक्षों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ये मूवमेंट हम लोगों ने, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन तो 3 दिन पहले ही कंप्लीट हो गई थी डिमोलिशन ड्राइव की, हमारी टीमें 3 दिन पहले से डिमोलिशन ड्राइव के लिए तैयार थी, तो हमने डिमोलिशन ड्राइव करने शुरू करने का निर्णय लिया।